हेलो जी, नमस्कार। मैं कॉर्पोरेटर रोहित चतुर्वेदी आज मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल दस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर। मैं न्यू दिल्ली द्वारका मोड़ ब्रांच से हूँ। जैसे कि इंजीनियर जो इस मंथ का जो बेस्ट था हमारा, जो कि जुलाई मंथ का बेस्ट था, इन लोगों ने अभी एस्टिमेशन कंप्लीट कर लिया है, ऑटोकैड कंप्लीट कर लिया है, एंड इसका क्वांटी सर्वे भी हो गया, इनका BVS भी हो गया। अब इनका सर्वे का चल रहा था, तो सर्वे का इनको आज जो फोर्थ डे क्लास कंप्लीट हुई है, जिन्होंने जिसमें इन्होंने सीखा हुआ है कि आज प्रोफाइल लेवलिंग इनका आज ग्राउंड पे चल रहा है। जैसे कि देख रहे हो मेरे पीछे इंजीनियर्स हैं, जो कुछ लोग कर भी रहे हैं, इंजीनियर जो कर रहे हैं प्रोफाइल लेवलिंग उठा रहे हैं, OCL उठा रहे हैं। तो आज इनका प्रोफाइल लेवलिंग है, जो कि 60 बजट था इनका। तो आज इंजीनियर से हम ये पूछेंगे कि भाई प्रोफाइल लेवलिंग कैसे करते हैं, क्या चीज़ है ये, इसका क्या मतलब होता है, एंड साथ ही साथ इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं, जो ऑटो लेवल वगैरह है, एंड स्टाफ की रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। इसलिए बने रहिए अंत तक, बिना स्किप किए। चलिए हम पूछते हैं अपने इंजीनियर से उन्होंने कैसे किया है। इंजीनियर से अपन बात करते हैं अपने इंजीनियर से कि ये क्या कर रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले हमारे निरीक्षण के सर हैं, बताइए सर अपने बारे में थोड़ा, और अभी क्या कर रहे हैं थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। ऑटो लेवल कर रहे हैं, प्रोफाइल लेवलिंग। आप कैसे लिख रहे हो, कैसे रीडिंग ले रहे हो, क्या चीज़ है थोड़ा बताइए सर, थोड़ा सामने दिखाइए इसमें। वो हम लोग आर एल पॉइंट लेते हैं, आर एल में हम लोग सबसे पहले बैक मतलब BS लेंगे, तो उसका मतलब जो भी हम लोग का मिला प्रोवाइड कराया जाता है 0.000। चैलेंज मार्किंग है, चैलेंज मार्किंग जो मतलब चैलेंज नंबर है आपका जो कि 0+00 है ना। फिर इसके बाद क्या है तुम्हारा, लेफ्ट साइड रीडिंग, सेंटर लाइन और राइट साइड रीडिंग। अच्छा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं इंजीनियर से, मैं आपको बता दूं थोड़ा क्लियर कर दूं। एक्चुअली लोगों ने क्या किया, इनके पास एक रोड था जिसकी रोड की विड्थ थी, इनकी सफिशिएंट विड्थ थी लगभग 3.5 मीटर थी। एंड इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर चाइनीज मार्किंग दिख रहा है, यहाँ पर वो चाइनीज नंबर दिख रहा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड रीडिंग, यहाँ पर राइट सेंटर रीडिंग, फिर राइट साइड रीडिंग। एक्चुअली क्या है कि जो रीडिंग ली है एक रोड की, उन्होंने रीडिंग ली है तीन, मतलब एक लेफ्ट की तीन रीडिंग उन्होंने ली है, एक लेफ्ट की एंड एक सेंटर की एंड एक राइट की। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि चैलेंज नंबर जो लिखा है 0+005, मतलब 5-5 मीटर का उन्होंने चैलेंज फिक्स किया, 5 फिर 10 फिर 15 20 इस तरीके से 5-5 मीटर का चैलेंज फिक्स किया। फिर इसके उन्होंने रोड पे जो लिया है लेफ्ट साइड की रीडिंग ली हुई है जो कि इनकी लिखी है। सबसे पहले हुआ था कि इनके पास इनके पास बेंच मार्क था, एक बेंच मार्क इवन था, उस बेंच मार्क में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले रीडिंग ली। बेंच मार्क पर कौन सी रीडिंग आती है, सबसे पहले BS रीडिंग आती है ना बेंच मार्क पर, इन्होंने सबसे पहले बेंच मार्क पर BS रीडिंग ली है। एंड इसके बाद फिर उन्होंने BS लिए, फिर लेफ्ट साइड रीडिंग, फिर सेंटर, फिर राइट साइड रीडिंग। इन्होंने प्रोफाइल लेवलिंग मतलब जो OCL उठाते हैं रोड का, तो इसमें तीन रीडिंग इन्होंने ली हुई है, लेफ्ट की, राइट की एंड सेंटर की। एंड आइए अपने और इंजीनियर से भी पूछते हैं कि और इसमें क्या ज़्यादा इन्होंने किया हुआ है। एंड रवि जी से बताइए अपने बारे में थोड़ा। मेरा नाम रवि भूषण हुआ और आज जो प्रेजेंट में प्रोफाइल लेवलिंग कर रहा हूँ, एक रोड मिला है जिसका विड्थ 3 मीटर है और लेंथ तो मतलब जितना भी आप जा सकते हैं, लेकिन एक हम लोग एक सर्टेन डिस्टेंस पे इसका प्रोफाइल लेवलिंग करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से एक RL उठाते हैं, एक नियर में मेरे रोड है उससे हम RL लिए, वहाँ RL लेने के बाद एक BS लिए बैक साइड रीडिंग। उसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़े तो जो रोड का जो विड्थ था उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। आप इसमें लिख रहे थे रीडिंग? हाँ, वो तो रीडिंग वो लिखा हूँ और तीन पार्ट में डिवाइड किया हूँ, तो 3 मीटर के जो विड्थ थे उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। जब हम रोड के अवे चलेंगे तो हम लोग लेंथ के लॉन्ग चलते हैं, लेंथ के डायरेक्शन में चलते हैं। जब लेंथ के डायरेक्शन में जब चलते हैं तो हम लोग को लाइन के क्रॉस चलना पड़ता है, तो हम लोग तीन लाइन के क्रॉस चले, एक लेफ्ट साइड विड्थ को तीन पार्ट में डिवाइड किए, तो एक लेफ्ट साइड, दूसरे सेंटर लाइन के क्रॉस चले, तीसरे जो है हम लोग राइट साइड चले। तो तीनों में जब हम चलते थे तो हम लोग एक चैन सर्वे में जैसे हम लोग चैन लेते थे, तो इसमें जो है हम लोग पाँच पाँच मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग ने इसका ये IS निकाला, मतलब इंटरमीडिएट साइड करते गए तो एक जैसे रोड L शेप में था, तो जब हम लोग स्टार्ट किए और इंटरमीडिएट करते हुए जब हम लोग लास्ट में आए तो कॉर्नर मिला। कॉर्नर पे आने के बाद देखे कि यहाँ तो हम लोग को अगर वहाँ ये जो मेरा ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट से देख रहे थे वो तो बैक में था और L मूव कर गया, तो घर तो हम देख नहीं सकते हैं, तो फिर जो है। अच्छा सर, स्टेशन को आप इस बात थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को, ये जो चीज़ आपने लिखी हुई है रीडिंग ली हुई है, इसका थोड़ा बताइए मेरे को क्या चीज़ है, मतलब कैसे आपने लिया हुआ है। जैसे हम लोग आप तो सर पास में लेंथ जैसे लाइन के क्रॉस चले जब लाइन के क्रॉस चलेंगे तो उसको जो हम लोग चैनेज में डिवाइड करेंगे, जैसे 100 मीटर है तो उसको हमको 5-5 मीटर में चलना है डिवाइड करके, लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी और सेंटर लाइन के क्रॉस भी चलना है।
तो इसमें ये क्या है, ये चीज पहला पॉइंट जो आप बता रहे थे, चेनेज एंड लेंथ सेंटर लाइन एंड राइट साइड ग्रेडिंग। चेनेज जो है हम लोग 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे चलते हैं, चेनेज लेते हैं, और लेंथ मतलब एक एल है, एल कहने का मतलब लेफ्ट साइड वाले, तो लेफ्ट साइड में भी चलेंगे तो 5 मीटर पे स्टाफ रखेंगे, फिर 5 मीटर पे रखेंगे, फिर 5 मीटर पे रखेंगे, और सेंटर लाइन में भी चलेंगे तो 5 मीटर पे, 5 मीटर पे, 5 मीटर, ऐसे हम लोग चलते बढ़ेंगे आगे की तरफ। फिर राइट साइड में भी सेम 5 मीटर पे स्टाफ को रखेंगे, फिर 5 मीटर पे, फिर 5 मीटर पे, ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो एक फाइनली रिजल्ट मिलेगा हम लोग को। तो उसका जो फाइनली जब रिजल्ट मिलेगा तो उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकाल के राइज फॉल वो सब करते हुए हम लोग जो है आरएल का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छा है, रवि जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई जो प्रोफाइल लेवलिंग लिया है हमने, उसका प्रोफाइल लेवलिंग उन्होंने क्या किया हुआ है कि जैसे कि इन्होंने एक चैनेज बताया, फिक्स किया है, जो डिस्टेंस थी लेंथ ले ली है रोड की, 5 मीटर का लिया था, एंड रोड की जो विड्थ है वो तुम्हारी 3.5 मीटर, 3 मीटर रोड की विड्थ थी ना, 3 मीटर अच्छा रोड की 3 मीटर विड्थ थी, उन्होंने क्या किया 3 मीटर रोड की विड्थ में 3 पॉइंट लिए हैं लेफ्ट सेंटर एंड राइट के। चलिए और भी जानते हैं अपने इंजीनियर से कि हमारे और भी इंजीनियर्स हैं, जैसे कि हमारे सचिन जी हैं। सचिन जी अपने बारे में बताइए, और बताइए कि आज जो आप कर रहे हो एंड आज कौन सा डे है, आपने सर्वे में क्या क्या कर लिया कम्प्लीट। हेलो सर, मेरा नाम सचिन शर्मा है। हमने अब तक एस्टीमेशन कर लिया, जुलाई बैच के हैं, हमने एस्टीमेशन कर लिया, ऑटो कैड किया, उसके बाद हमने क्वांटिटी सर्वे किया, और हमने उसके बाद बीबीएस किया, बीबीएस के बाद हम सर्विंग कर रहे हैं सर। अच्छा, आज का सर्वे आपका कंप्लीट हो रहा है, सर्वे की और क्लास कितनी कंप्लीट हो चुकी है? सर्वे की हमारी मैक्सिमम क्लास कंप्लीट हो चुकी है, हम कंटूरिंग हो चुका हमारा, और प्रोफाइल लेवलिंग चल रहा है सर। प्रोफाइल लेवलिंग एंड आउटर लेवल सेटअप जो मतलब सर्वे का फर्स्ट था क्लास, कैसा रहा आपका इसमें बताओ? सर फर्स्ट क्लास था, सबसे पहले हमने बबल सेट कर, हमने ऑटो लेवल दिया, फिर सर ने हमको पार्ट्स के बारे में बताया, लेंस, ऑब्जेक्ट और ट्राइपॉड जो उस कैसे सेट किया जाता है वो बताया, बबल्स के बारे में बताया, बबल्स कैसे सेट किया जाता है। अब हम इस बबल को 2 से 3 सेकंड में सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टाफ रीडिंग पढ़ना सिखाया जाता है, स्टाफ को हमारी रीडिंग कैसे पढ़ी जाती है स्टाफ को। इंजीनियर साहब देख भी रहे हैं कि हमारे एक इंजीनियर जो कि स्टाफ दिखा रहे हैं उधर, दिख भी रहे होंगे आपको, वो एक्चुअली क्या है स्टाफ दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो मेरे इंजीनियर से यहाँ पर जो रीडिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो मेरे इंजीनियर से वो रीडिंग पढ़ रहे हैं और वो जो वहाँ पर स्टाफ दिखा रहे हैं। एक्चुअली गाइस है क्या है कि मतलब इन लोगों का आज जो प्रोफाइल लेवलिंग था, ये क्या होता है कि जो ग्राउंड वो जो लेवल होता है रोड होता है, जो रोड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओजीएल उठाते हैं, ओजीएल जब उठा लेते हैं हम, हमारे पास जब ग्राउंड की कंडीशन आ जाती है हमारे पास, तो हमारे पास एक गिवन रहता है एफआरएल सीट, हम उससे कंपेयर करते हैं एफआरएल को, मतलब जब इसको आरएल निकालते हैं फिर हम एफआरएल से पता करते हैं इसमें कितनी कटिंग फिलिंग आ रही है, फिर इसका हम एम्बैकमेंट बनाते हैं, एम्बैकमेंट बनाते हैं तो हमारी प्रोफाइलिंग कंप्लीट होती है। तो इस तरीके प्रोसेस को बोलते हैं प्रोफाइल लेवलिंग, मतलब लेवल को उठाना, फिर हमारी एफआरएल सीट के अकॉर्डिंग हम उसकी कटिंग फिलिंग कराना, फिर रोड की डिसमेंटलिंग कराते हैं, फिर डिसमेंटलिंग कराने के बाद फिर हम उसका एम्बैकमेंट बनाते हैं, इस तरीके से हम प्रोफाइलिंग कंप्लीट करते हैं रोड की। तो कैसे आपने देखा कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं जुलाई मंथ का बैच है, जो आज इन लोगों का प्रोफाइल लेवल चल रहा था, इन लोगों की जो A6 कंटेंट कंप्लीट हो रहा है, इसका इनका बिलिंग कंप्लीट होगा, एंड ये जो पूरा प्रोसेस रहता है 2 मंथ का रहता है, जिसमें कि एस्टीमेशन, ऑटो कैड, बीबीएस, क्वांटिटी सर्वे एंड बिलिंग, ये 6 कंटेंट कंप्लीट कराए जाते हैं। जो एस्टीमेशन और बीबीएस होता है ये एमबीसी सॉफ्टवेयर में कंप्लीट कराया जाता है, माई फील्ड कॉस्ट में, इस तरीके से इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, जिसमें कि 12 इनकी साइड विजिट की जाती है। यदि आप भी इन्हीं की जैसे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अभी कॉल कर सकते हो 9111001234 पर, आपको उसके रिगार्डिंग एंड जो भी आपके डाउट हो उसके रिगार्डिंग आप इन पर इस नंबर पर जाकर कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आई होप इंजीनियर्स आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, एंड ट्रेनिंग ज्वाइन करना हो तो नेक्स्ट मंथ से हमारा एवरी मंथ हमारा एक बैच स्टार्ट होता है 1 तारीख से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और इस नंबर पर आप कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं।